जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब. जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए. इसका इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. पाठशाला अच्छा जब तक स्कूल में तो समझ नहीं आएगा. अच्छा 600 कैरेक्टर और ये स्कूल बैग दफ्तर लेके बिल्कुल. तो हम मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितने कितने कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी 12-15. क्या बात कर रहे हैं. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है. मेरे घर वालों की मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है. सबके सबका सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. तो चलिए ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब और साथ में रितेश देशमुख जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं. इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूं मैं. इनके साथ बैठ के बातें बातें करता हूं. बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं. फिर साथ में बॉबी साहब हैं. इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ. दोस्ती और वतन अब हम अब तुम्हारे हवाले वतन साथी साथी और मेरे साथ जो है दो कृति. मैंने आज नाम सही बोला है नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ. कीर्ति बोल देता हूँ लेकिन आज सही बोला है. दूसरी पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था. हाँ वहाँ पे कृति निकल रहा था. ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. पूजा एक ही पूजा एक ही पूजा. और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ उसके बाद फोर्थ पे आए वो एक ऐसे इंसान है. आ जाओ फोन पे मत रहे. क्या नाम है इसका. आखिरी पास्ता. इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है. ये हमारी ये प्लेट में सॉस रख लो अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या. ये हमारी अन्नपूर्णा है सर. ये हमारी बहुत ही दिलचस्प इंसान है. इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है भर भर के. अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे. मैं मम्मी है. He's joking. I'm not joking. Thank you. तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया याद रखना. ओके. कि मुझे अबे चार चार टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है. एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता. बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स बॉबी अक्षय रितेश एंड थैंक यू साजिद भाई. थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी. और डबल धमाल होने वाला है इसमें. थैंक यू जी. वास्को डी गामा मेरा मामा. अबे कोई जगह दो यार इसको. टैप लो आर यू सीरियस. नहीं नहीं मैडम 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 यू डोंट गेट अप यू डोंट गेट अप. मैडम इतनी इज्जत नहीं उसको. ओके अब आपसे आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा. ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा है इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है जिस हिसाब से मतलब ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं जो कैमरामैन साहब है हमारे. मैं इनको बुलाना चाहूंगा. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे. पहले पूछ लेता हूँ फिर इसे शक्ल तो दिखा दो. कौन सी फिल्में की आपने पहले बताइए सबको. जानेवन मेरी नहीं बाकी और भी.
पद्मावत पद्मावत और बाजीराव मस्तानी. अरे कोई नहीं मारेगा बोलो. दिस वाज ग्रेट फन. आई होप यू गाइस एंजॉयड. और कोई? अरे मेरी मेरी, मेरी मेरी बेबी बेबी वाली जो फिल्म थी बेबी, वो भूल गए. वो भी इन्होंने किया है मेरे लिए. ये बहुत ही लकी कैमरामैन है ये. मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम. मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है. ये इनका काम है. भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका. थैंक यू सुदीप दा, और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे. थैंक यू साजिद भाई. ओके, सो अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं. डायरेक्टर साहब फराज साम जी. फराज जी कुछ कहेंगे आप? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर. हाउसफुल 4 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते हैं उतना प्रेशर. इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी, हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को. आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके. हम लोग ने मेहनत की है, हिम्मत की है, कोशिश की है. जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखें और सर आए. दैट्स इट. और अगर आप नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है. एक्चुअली वो टेंशन में थे इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे तो टोपी पे लिख लिया. और इधर आओ फराद. अब हो गया. ओके, अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ. ये वैसे आपको बता दूं बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ दो शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है. तो साजिद साहब आइए. कहाँ से शुरू करो? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से. 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे. मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे. आप बताइए, जब हम मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये सातवीं में था. लेकिन जब मैं दसवीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था. बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था. हम लोगों ने एक ही बस में ट्रेवल किया, 255. और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था टिकट. फिर उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में. अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे. इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. और हमारे पास सेम गाड़ियां भी है. सेम गाड़ियां हैं. और ये बताएं कि ये इत्तफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ. ये कसम से बाय गॉड इत्तफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इससे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तफाकी बात है काफ़ी मिलजुल रहा एक दूसरे के साथ. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट प्रोड्यूसर फॉर मी एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल द गर्ल्स, ऑल द गाइस. इट्स वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक. एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, बट टू गेट ऑल एंड टेक ऑल द एक्टर्स ईगो इट्स नॉट इजी. बहुत डिफिकल्ट होता है. कौन सा ईगो? किसकी ईगो? टू सेटल देम, टू पैसिफाई देम, इट्स नॉट इजी. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का एटीट्यूड क्या होता है. तो बट थैंक गॉड वी हैव डन अ ग्रेट प्रोडक्ट. आई एंजॉय मेकिंग. वी ग्रोन अप ऑन राजकुमार कोहली काइंड ऑफ फिल्म्स, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 एक्टर्स होते थे. So we've been enjoying this and I hope you all enjoy this film and we are successful again. Thank you. And now, jinki wajah se film ban pai, jinhone paise diye, the studio, the fox, the dhanwan, jinhone ki koi pareshani nahi ki di hume, Vijay sahab. विजय साहब आप कुछ शब्द कहें हिंदी में.
हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं. आई रियली वांट टू थैंक ऑल द मीडिया एंड ऑल द फैंस एंड इन पर्टिकुलर वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स इन मेलबर्न दुबई एंड लंदन हु ऑल सॉर्ट ऑफ पुट दैट एवरीथिंग असाइड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस. लेट मी टेल यू एट फॉक्स वी आर रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हाउसफुल 4. इट इज अ मैड कॉमेडी. इट इज द दिवाली फिल्म एंड एज फॉक्स वी हैड सम ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chichore. So thank you very much once again and really really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. Mumbai Raftaar News ki khabrein pasand aane par hamare YouTube channel ko subscribe kare aur like kare.